Hey guys, in this video, I am breaking down the best mirrorless camera in 2022. सो गाइस, क्या आप अपने कैमरे को अपग्रेड करना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिररलेस कैमरे की तरफ जाए, क्योंकि ये कैमरास हाई रेजोल्यूशन पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ कई सारे एडवांस फीचर्स लाइक रियल टाइम ऑटो फोकस, हाई FPS, मेनी फेस डिटेक्शन AF पॉइंट्स, सेंसिटिविटी एंड कलर रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी जैसे कई एडवांस फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपकी सारी बातों का ध्यान रखते हुए लिस्ट में टॉप 6 मिररलेस कैमरास को लिया है। बजट यहाँ पे 40,000 to 60,000 रुपीज तक का रखा है। लिटरली काफी डीप रिसर्च के बाद इन्हें इस लिस्ट में लिया गया है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। बाकी मिररलेस कैमरे से रिलेटेड आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइज, लिस्ट में एट नंबर 6 पे आने वाला कैमरा आपको कैनन की तरफ से M200 देखने को मिलता है। अभी ये एक कॉम्पैक्ट सा हाईली एडवांस मिररलेस कैमरा है, जो कि काफी बढ़िया इमेजेस एंड वीडियोस कैप्चर करता है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको एक लाइट वेट इंडोर एंड आउटडोर शूट्स के लिए बजट फ्रेंडली कैमरा चाहिए। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, एकदम एर्गोनोमिक लुक के साथ में काफी लाइटवेट इसे बनाया गया है। कैमरे में यहाँ पे आपको 24 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर मिल जाता है, जो कि 15 to 45 mm किट लेंस के साथ में आता है। कई सारे यहाँ पे आपको एडवांस फीचर्स लाइक फेस डिटेक्शन, एडवांस फिल्टर्स, आई ऑटो फोकस, HDR मूवी मोड जैसे कई फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी 3 inch की यहाँ पे आपको LCD टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि 0 to 180 degree इजीली टिल्टेबल है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ये कैमरा 4K रिकॉर्डिंग के साथ साथ 1080p एट 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 44,000 रुपीज में Amazon पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसे ऑफर्स में ट्राई करें तो ये आपको अराउंड 40,000 रुपीज तक मिल सकता है। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक हाईली एडवांस लाइटवेट मिररलेस कैमरा चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, लिस्ट में एट नंबर 5 पे आने वाला कैमरा आपको पैनासोनिक की तरफ से लुमिनेक्स G7 देखने को मिलता है। बता दूं कि ये मिररलेस कैमरा एकमात्र ऐसा कैमरा है जो कि 40 to 45,000 रुपीज की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, काफी लाइटवेट एंड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 megapixel का माइक्रोथर्ड सेंसर मिल जाता है, जो कि शार्प इमेजेस एंड हाई डायनेमिक रेंज प्रोवाइड करता है। बाकी 14 to 45 mm का यहाँ पे आपको लेंस मिल जाता है, जो कि नॉर्मल वर्क के हिसाब से सफिशिएंट है। 3 inch का यहाँ पे टिल्टेबल LCD टच स्क्रीन मिल जाती है एंड आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे आपको फंक्शन बटन्स लाइक ISO, AF पॉइंट्स, एक्सपोजर, डिफरेंट टाइप ऑफ शूटिंग ऑप्शंस जैसे कई बटन ऑप्शंस मिल जाते हैं। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ये कैमरा 4K रिकॉर्डिंग एट 20 FPS एंड फुल HD एट 50 FPS तक रिकॉर्ड करता है। सो ये भी काफी बढ़िया है। स्पेशल फीचर्स में यहाँ पे आपको व्यू फाइंडर, एपरेचर, शटर सेटिंग्स, फ्रंट एंड रियर डायल्स एंड स्टेबलाइजेशन जैसे कई फीचर्स मिल जाएंगे। सो गाइस, 45,000 रुपीज की प्राइस रेंज में अगर आपको एक मिररलेस कैमरा चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजिली चेकआउट कर सकते हैं। अभी गाइस, एट नंबर 4 पे आने वाला कैमरा आपको कैनन की तरफ से 200D Mark II देखने को मिलता है। अभी ये एक डिजिटल SLR कैमरा है एंड स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको एक बजट फ्रेंडली डिजिटल SLR कैमरा चाहिए। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में ये कैमरा प्रीमियम प्लास्टिक बिल्ड के साथ में काफी लाइटवेट है इन कंपेरिजन टू अदर कैनन DSLR कैमरास। यहाँ पे आपको 24 megapixel का कैमरा मिल जाता है, जो की लिटरली काफी स्मूथ फोटोज एंड वीडियोज कैप्चर करता है। फीचर्स में
यहाँ पे आपको आई डिटेक्शन, ऑटो फोकस, क्रिएटिव असिस्ट, वाईफाई कनेक्टिविटी एंड 3 इंच टिल्टेबल टच स्क्रीन जैसे कई फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी किट लेंस यहाँ पे आपको 18-55 mm तक का देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल वर्क के हिसाब से सफिशियंट है। एंड अगर आपको हैवी वर्क करना है तो आप अपनी नीड के हिसाब से और लेंसेज परचेज कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी में ये कैमरा 4K रिकॉर्डिंग एट 25 fps एंड 1080p एट 50 fps तक रिकॉर्ड कर सकता है। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 60,500 rupees में Amazon पर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक अच्छा सा DSLR कैमरा खरीदना है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से जाके आप इसे इजिली चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, लिस्ट में एट नंबर 3 पे आने वाला कैमरा आपको फ्यूजी फिल्म की तरफ से X200 देखने को मिलता है। अभी ये एक प्रोफेशनल मिररलेस कैमरा है जो कि हाईली एडवांस इमेजेस एंड वीडियोस कैप्चर करता है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको एक लाइट वेट इंडोर एंड आउटडोर कैमरा चाहिए। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, एकदम एर्गोनोमिक लुक के साथ में काफी लाइट वेट इसे बनाया गया है। कैमरे में आपको 24 megapixel का इमेज सेंसर मिल जाता है, जो कि XE15-45 mm किट लेंस के साथ में आता है। कई सारे यहाँ पे आपको एडवांस फीचर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, फेस डिटेक्शन, एडवांस फिल्टर्स, आई ऑटो फोकस, HDR मूवी मोड जैसे कई फीचर्स मिल जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, 3.5 इंच की यहाँ पे आपको LCD टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि 0-180 degree तक इजीली रोटेट हो जाती है। वीडियो क्वालिटी में ये कैमरा 4K रिकॉर्डिंग एट 30 fps एंड 1080p एट 60 fps तक रिकॉर्ड कर सकता है, जिसमें लिटरली स्टेबिलाईजेशन काफी स्मूथ देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 67,000 rupees में Amazon पे देखने को मिल जाएगा। बाकी ऑफर्स में अगर आप इसे ट्राई करें तो ये आपको अराउंड 55,000 rupees में मिल सकता है। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक अच्छा सा लाइटवेट मिररलेस कैमरा चाहिए तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अभी गाइस, एट नंबर 2 पे आने वाला कैमरा आपको कैनन की तरफ से M50 Mark II देखने को मिलता है। अभी आपको पता ही होगा कैनन काफी अच्छा ब्रांड है एंड ये मिररलेस कैमरा 50,000 rupees की प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, प्रीमियम फील के साथ साथ काफी लाइट वेट इसे बनाया गया है। मतलब नॉर्मली जो कैमराज होते हैं वो हैवी वेट के साथ में आते हैं और वो शूट करते टाइम काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इजिली आप फेस वीडियोस, व्लॉगिंग, शूटिंग्स कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस में यहाँ पे आपको 24 megapixel का कैमरा मिल जाता है, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। एंड यहाँ पे डिजिटल इमेज स्टेबिलाईजेशन भी देखने को मिल जाती है, जिसमें काफी स्मूथ वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो क्वालिटी में ये कैमरा 4K रिकॉर्डिंग एट 25-30 fps एंड फुल HD एट 50-60 fps तक रिकॉर्ड कर सकता है। सो ये यहाँ पे बढ़िया बात है। बाकी कई सारे एडवांस फीचर्स लाइक एपरेचर मोड, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंसर एंड स्टेबिलाईजेशन जैसे कई फीचर्स मिल जाएंगे। बॉक्स में आपको 15-45 mm जूम लेंस, बैटरी चार्जर, स्ट्रैप, कैमरा एंड बैटरी पैक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड नहीं मिलता, उसे आपको अलग से परचेज करना होगा। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये कैमरा आपको अराउंड 56,000 rupees में Amazon पर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप इसे ऑफर्स में ट्राई करें तो ये आपको अराउंड 54,000 rupees तक पड़ सकता है। सो गाइस, 50,000 rupees की प्राइस रेंज में अगर आपको एक हाईली एडवांस मिररलेस कैमरा चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, लास्ट नंबर 1 पे आने वाला कैमरा आपको सोनी की तरफ से Alpha ZV-E10 देखने को मिलता है। बता दें कि ये कैमरा हमारे इस लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है एंड ये एक ऐसा कैमरा है जो कि अब तक मैंने जितने भी कैमरास बताए हैं उन सभी को बीट करते हुए काफी एडवांस कैमरा है। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, एकदम प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट इसे बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 16-50 mm पावर जूम लेंस मिल जाता है, जो कि अब तक जितने भी कैमरास बताए हैं उनमें ये नहीं आता। मतलब जूम इन एंड जूम आउट आप वन बटन से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। 24 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको इमेज सेंसर मिल जाता है,
जिसमें वीडियो क्वालिटी 4K रिकॉर्डिंग एट 30 FPS एंड 1080p एट 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी के फीचर्स लाइक रियल टाइम आई ऑटो फोकस, हाई रेजोल्यूशन सेंसिटिविटी, स्मूथ एंड स्टेबल AF, ड्यूरेबिलिटी अप टू 1000 शटर साइकल्स, हाइब्रिड लॉक, गामा सपोर्ट, फॉर इंस्टेंट HDR वर्कफ्लो जैसे कई फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, LCD स्क्रीन यहाँ पे आपको 180 डिग्री तक टिल्टेबल है, जो कि वर्सेटाइल टच फंक्शन के साथ में आती है। बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 68,000 रुपीज में Amazon पे देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप इसे ऑफर्स में ट्राई करें तो ये आपको अराउंड 62,000 रुपीज तक Amazon पे देखने को मिल सकता है। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक हाईली एडवांस ऑल इन वन मिररलेस कैमरा चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, कैमरा खरीदने का अगर आपको कोई डिफरेंट क्राइटेरिया हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से अलग अलग कैमरास देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में।